देखिए मोर्चा तो खुल गया है, लेकिन हमारा खोलने का इरादा नहीं है और सरकार का खुलवाने का इरादा है। लगता नहीं कोई प्रशासन बातचीत करे, इसके हाथ में नहीं कुछ भी प्रशासन की। सरकार शायद इस बहम में है कि अगर आंदोलन यहाँ पे चल जाए तो शायद दिल्ली का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। बहुत बेशरम सरकार है, मानने नहीं, अपनी गलती को गलती नहीं मानने की ना। फहमी में है, हमारे हिसाब से आंदोलन और तेज हो जाए। किसान तो लगातार आ रहे हैं, पूरा देश की निगाह है करनाल के ऊपर, यहाँ कुछ भी होता है तो उसका रिएक्शन पूरे देश में जाएगा। हरियाणा सरकार वालों करनाल टोल प्लाजे से लाठीचार्ज किया गया सी, जिस दे विच कई किसान जख्मी हो गए सन ते एक किसान शहीद हो गया सी, जिसनों लैके कल करनाल दे मिनी सैक्टरीएट दे बाहर किसानां वालों धरना प्रदर्शन किया गया, जिस दे विच वड्डी गिणती दे विच किसान उत्थे पहुंचे ते सरकार नाल किसानां दीआं कई मीटिंगां भी होईआं पर ओह बेसिट्टा रहीआं। किसानां ने सरकार अगे कई मंगां रखीआं पर सरकार मंगां मन्नण लई तैयार नहीं सी, जिस तों बाद किसानां ने उत्थे वड्डा संघर्ष शुरू कर दित्ता, जिसनों लैके गुरनाम सिंह चडूनी का कहना है कि असी धरना लाने लई इत्थे मजबूर हाँ क्योंकि सरकार साडीआं मंगां नहीं मन रही। इस तों इलावा गुरनाम सिंह चडूनी का होर की कहना है वह भी तुहानूं सुणाउने आ। यहाँ पे बैठे हैं, अभी घेराव शुरू हमने कल से कर दिया है और जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक ये घेराव जारी रहेगा। जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक घेराव जारी रहेगा और सरकार जो है वो अपनी जगह गलत है और गलत होने के बावजूद भी अपने लोगों का पक्ष कर रही है, मान नहीं रही है, तो ये सरकार इस मामले को जान के जाना चाह रही है। आज का घेराव है, बैठे हैं, यही एजेंडा है। दिल्ली की तरह नया मोर्चा खुल गया, यहाँ पे क्या कहेंगे, किस तरह दिल्ली मोर्चा? देखिए मोर्चा तो खुल गया है, लेकिन हमारा खोलने का इरादा नहीं है और सरकार का खुलवाने का इरादा है। सरकार शायद इस बहम में है कि अगर आंदोलन यहाँ पे चल जाए तो शायद दिल्ली का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन वो गलतफहमी में है, हमारे हिसाब से आंदोलन और तेज हो जाएगा। तो आज यूपी पंजाब से किसानों का आने की उम्मीद है और ज़्यादा? देखिए किसान तो लगातार आ रहे हैं, पूरा देश की निगाह है करनाल के ऊपर, यहाँ कुछ भी होता है तो उसका रिएक्शन पूरे देश में जाएगा। तो गेट बंद कर दिया जिला प्रशासन का, तो जो एसपी डीसी है या दूसरे हैं उनका आम कर्मचारी को रास्ता बंद तो रास्ता बंद होने से हमारा रास्ता परमानेंट बंद को कर रहे हैं, हमारी जिंदगी की रास्ता बंद कर रहे हैं। उनका रास्ता एक दिन के लिए दो दिन के लिए बंद हो जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी, उन्होंने तो हमारे जिंदगी के रास्ते ही बंद कर दिए। इंटरनेट बंद होने से आम जनता या कार्यालय बहुत, देखिए बहुत बहुत उसका नुकसान हो रहा है और ये लोगों की जुबान बंद करने वाली बात है। लोग अपने विचार रखना चाहते हैं, अपना बात कहना चाहते हैं, तो नेट बंद कर दिया है, उनकी जुबान बंद करने वाली बात है। कल पूरा तरीके से विरोध, ज़्यादा हिंसा नहीं हुई कहीं भी, बहुत नहीं अहिंसा हमारी तरफ से भी नहीं और पुलिस की तरफ से भी कल ठीक रहा है, उनकी तरफ से भी कोई अहिंसा जैसी बात नहीं हुई। उधर चर्चा यह भी चल रही थी कि आज फिर किसानों की जिहड़ी हरियाणा प्रशासन नाल मीटिंग होगी, पर उसनू लेके बोलदिया किसान आगू राकेश टकैत का कहना है कि मीटिंग विसक हो जाए पर सिट्टा कोई भी नजर आता दिखाई नहीं दे रहा। इस तों इलावा राकेश टकैत का होर की कहना है, आओ तुहानू भी सुनाउने आ। आज तो यहाँ पे धरना है भाई, बैठे यहाँ पे सब लोग हैं यहाँ पे और यहाँ पे सलाम मशवरा करेंगे। क्या लगता है सर, कोई बातचीत हो पाएगी आज प्रशासन से? लगता नहीं कोई प्रशासन बातचीत करे, इसके हाथ में नहीं कुछ भी प्रशासन की, ऊपर से जो डायरेक्शन इनको दी जाती है तो उसी पे ही ये काम करते हैं। सर कल भी जैसे तीन दौर की बातचीत हुई थी, अगर मानना होता तो कल भी बात? हाँ मान लेते, कल मानना होता तो मान लेते, कल मानने नहीं है। बहुत बेशरम सरकार है, मानने नहीं, अपनी गलती को गलती नहीं मानने की ना। और हम पंचायत के आदमी हैं, हमारा सिस्टम ये है कि पंचायत में आदमी को झूठ नहीं बोलता, सच मान लेता है, उसे आदमी माफ भी करते हैं। ये है कोर्ट कचहरी कागजों पर चलने वाले, ये अपनी बात को झूठ को सच कह जाएंगे, सच को झूठ कह जाएंगे, जाए ना फायदा होगा वो बात कहेंगे। आपको लगता है आंदोलन डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है? हाँ है, यूपी है इनका, हमें इसका भी बहम है। क्या लगता है सही कर रहे हो ये? ये सही कर रहे हो सर लगता है आपको?
भाई आप बता दो आप क्या कर रहे हैं, हमको बता दो। सर वो आपका फैसला है, पब्लिक परेशान हो रही है, सचिवालय बंद कर दिया आपने। ना हमने तो नहीं बंद करा सर, आप गेट के सामने बैठे हैं। नहीं आ जाओ, किसको आना हो भाई, कैसे आएंगे आप बताइए। यहाँ कोई आ जाएंगे गेट को, समझदार तो हम ही तो कर रहे हैं ना, समझदार सर। एक चीज आ जाएंगे पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं, एक गेट और होगा, इमरजेंसी गेट होता है। नहीं सर यहाँ नहीं है, होगा पहले सर्वे करो उसके। चारों तरफ क्या कहना चाहेंगे सभी नेता हैं, क्या रणनीति बनाई जाएगी आगे? यहाँ पे बैठे 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 हुए हैं यहाँ पे, और जो भी यहाँ का पब्लिक का फैसला होगा तो उसी पे यहाँ पे काम चलेगा। पक्का मोर्चा किया जा रहा है, टेंट वगैरह लगाए जा रहे हैं? हाँ पक्का मोर्चा भाई, धूप हो रही तो पक्का मोर्चा तो लगाए गए। करनाल विखे हुए लाठीचार्ज तो बाद किसानों ने हरियाणा सरकार अगे कई मंगा रखी ने, पर हरियाणा सरकार मनने लिए तैयार नहीं है, जिस तो बाद किसानों ने हरियाणा दे विच एक मोर्चा खोल दिता है। हुण देखना यह होगा कि यह मोर्चा कदों चुकया जाएगा, तो हरियाणा सरकार किसानों दी मंगा कदों तक मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी हुणे सबसक्राइब करो, बैल आइकन ते क्लिक करो। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे, ज्ञानी साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा वाले नाल करो सीधी गलबात, ते जाणो गुरबाणी दे अर्थ। रोजाना पाठ करन वाले ये प्रोग्राम जरूर देखण ते गुरु साहब दीआं असीसां दे पात्र बनन। देखणा ना भुलना साडा खास प्रोग्राम गुरबाणी ज्ञान, ऐतवार सवेरे 7 तों 8 बजे तक D5 चैनल पंजाबी ते।